हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बिना प्याज और लहसुन का इस्तेमाल किए बगैर एकदम नए तरीके से लौकी के कोफ्ते बनाएंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं बिना प्याज और लहसुन का इस्तेमाल किए बगैर लौकी के कोफ्ते। 300 ग्राम लौकी ली है, इसका हम छिलका निकाल लेंगे। बारीक वाले कद्दूकस से लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। लौकी में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी रहता है तो इसके लिए हम इसमें आधी टीस्पून नमक डालेंगे। हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ढक्कन लगा के 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे। इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया है। एक साफ रुमाल ले लिया है, इसके ऊपर हम ये लौकी डाल देंगे। अच्छे से निचोड़ के इसका पानी सारा निकाल लेंगे। लौकी का सारा पानी मैंने निकाल दिया है, इसे फेंकना नहीं है, इसे हम सब्जी में डालेंगे। लौकी को इस तरह से अलग कर लेंगे। मसाले डाल देंगे, आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून धनिया पाउडर, एक पिंच हल्दी पाउडर, एक पिंच हींग, एक चौथाई टीस्पून गरम मसाला पाउडर, एक चौथाई टीस्पून भुना जीरा पाउडर, एक पिंच काली मिर्च पाउडर, एक चौथाई टीस्पून अजवाइन, आधी टीस्पून चाट मसाला, आधी टीस्पून सौंफ, एक मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, एक टीस्पून तेल डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी हमने निचोड़ के निकाल दिया, उसमें नमक सारा निकल गया है। आधी टीस्पून में कम मैं नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। एक चौथाई कप बेसन लिया है, ये डाल देंगे। बेसन हमें सिर्फ बाइंडिंग के लिए डालना है, बहुत ज्यादा बेसन इसमें नहीं डालना है। ये लगभग 3 से 4 टेबलस्पून जितना बेसन है। सॉफ्ट डो के जैसा बना लेंगे। इसे रखना नहीं है, तुरंत ही इसका कोफ्ता बनाना है। हल्का हाथ से इस तरह से छोटा छोटा कोफ्ता बनाएंगे। इतने मिश्रण में से 12 कोफ्ते बना के रेडी किए हैं। तेल गरम करने के लिए रख दिया है। गरम तेल में कोफ्ता डाल के फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट तेज आंच पे इसे फ्राई होने देना है और फिर फ्लेम मीडियम कर लेंगे। थोड़ा सा फ्राई हो जाए इसके बाद इसे इस तरह से चलाना है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अभी हम फ्लेम एकदम धीमी कर देंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसे फ्राई करना है। ये हो गया है तो इसे हम निकाल लेंगे। कोफ्ता फ्राई करने में 6 से 7 मिनट लग जाता है। एक बाउल में मसाला मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून बेसन डालेंगे, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून छोले मसाला, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ग्रेवी बनाएंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। घी गरम हो रहा है तभी हम इसमें खड़ा मसाला डालेंगे। एक बड़ी इलायची को ऊपर से खोल के डालेंगे, 2 छोटी इलायची को भी ऊपर से खोल के डालेंगे, 2 लौंग, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का। लो टू मीडियम फ्लेम पे खड़ा मसाला को अच्छे से भुनेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आ जाए। 1/2 टीस्पून राई डालेंगे। राई क्रैकल हो रही है, गैस की फ्लेम धीमी कर लेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा, जीरा लाइट ब्राउन हो गया है, 2 सूखी लाल मिर्च। बाउल में हमने मसाला निकाल के रखा है, ये पूरा डाल देंगे। धीमी आंच पे अच्छे से चला के भुनेंगे। बेसन हमने डाला है तो बेसन अच्छे से भून जाना चाहिए। धीमी आंच पे 1.5 से 2 मिनट के लिए इसे भून लिया है। 2 मीडियम साइज का टमाटर कद्दूकस किया है। घी सेपरेट हो जाए तब तक टमाटर को अच्छे से कुक किया है। 1 कप एकदम गाढ़ा और फ्रेश दही लिया है। अगर आप थोड़ा पतला दही ले रहे हैं तो 1.5 कप जितना ले लेना है। और दही को एकदम अच्छे से फेंट लिया है, ये दही हम अंदर डाल देंगे। तेज आंच पे लगातार चला के दही को भुनेंगे। इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो दही फट सकता है। घी अच्छे से सेपरेट हो जाए तब तक इसे लगातार चला के तेज आंच पे कुक किया है। 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। 1 टीस्पून हरी मिर्च बारीक काट के डालेंगे। अभी हम गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखेंगे। दही वाले बाउल में लौकी का पानी थोड़ा डाल देंगे, आधा पानी डाल देंगे और ये पानी हम अंदर डाल देंगे।
गैस की फ्लेम एकदम धीमी ही रखेंगे। आधी टीस्पून नमक डालेंगे। नमक इसमें कम डालना है क्योंकि हमने लौकी का पानी डाला है तो लौकी में भी हमने नमक डाला था। 50 ग्राम पनीर लिया है, इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे। ग्रेवी को एकदम क्रीमी और रिच बनाने के लिए हम पनीर की पेस्ट बना के डालेंगे। लौकी का बचा हुआ पानी इसमें डाल देंगे और इसे स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे। पनीर की पेस्ट हमने बनाई है ये डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे, लगातार चला के कुक करेंगे। ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और घी सेपरेट हो जाए तब तक इसे कुक किया है। पनीर हमने क्रश किया था वही मिक्सर जार में एक कप पानी डाल के ले लिया है। ग्रेवी में एक बॉईल आ जाए तब तक इसे कुक करेंगे तेज आंच पे। ग्रेवी में एक बॉईल आ गया है, एक टीस्पून चीनी डालेंगे, एक टीस्पून कसूरी मेथी का पाउडर डालेंगे और 4 से 5 मिनट इसे तेज आंच पे कुक करेंगे। कोफ्ते बनाए हैं ये डाल देंगे, अच्छे से चला लेंगे। 5 मिनट तेज आंच पे कुक करेंगे ताकि कोफ्ते में ग्रेवी अच्छे से अंदर तक जाए और इसका टेस्ट अच्छा आए कोफ्ते का। तेज आंच पे 5 से 6 मिनट अच्छे से कोफ्ता को कुक कर दिया है और ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है। ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। लौकी कोफ्ता रेडी है, गैस ऑफ कर देंगे और ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।